वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम व्रत प्रजापत, वेलकम टू द श्री क्लासेस। आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ क्लास मैथमेटिक्स इज फ्रैक्शन, हिंदी मीडियम वालों के लिए भिन्न। व्हाट डू यू मीन बाय भिन्न? डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की परिभाषा। फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल यूनिट ऑल। होल कैन बी ओनली वन ऑब्जेक्ट और कैन ऑल्सो बी ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन एक ऐसे नंबर को पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ एक सर्कल दे रखा है अपन ने, तो जो ब्लैक लाइन्स जो ड्रॉ हो रही है वो हम काउंट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 सेक्शन बन रहे हैं ब्लैक लाइन से, राइट। और जब हम इस पूरे को जब डिवाइड करेंगे तो एक सेक्शन जो होगा वो 1/7 के इक्वल होगा। लेकिन हम जो ग्रीन लाइन है, उन ग्रीन लाइन से इसको मैंने क्रॉस सेक्शन कर लिया है, जिससे कि इसके 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पार्ट जो है, पांचवा भाग जो है इसका, वो क्रॉस सेक्शन से हमने इसको फिलअप कर दिया। तो जो ये फिलअप पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 5/7। और जो ब्लैंक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 2/7। 5/7 क्यों? बिकॉज 5 पार्ट्स यानी 5 भाग जो है इसके वो फिलअप है, जबकि 2 ब्लैंक, जो 2 पार्ट्स क्या है इसके, ब्लैंक है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी। इन फ्रैक्शन 5/7, 5 इज द न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। जो भाग वाली लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, उसके ऊपर वाली जो संख्या हमेशा होगी वो होगी एक न्यूमरेटर यानी 5 इज न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या क्या होगी, 7, 7 इज डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम वालों के लिए भिन्न में 5/7, उसमें 5 क्या है, अंश है, और 7 क्या है, भिन्न का हर कहलाता है। क्लियर हो गया? एक बार वापस देखेंगे, ऊपर वाली न्यूमरेटर या अंश, नीचे वाली डिनोमिनेटर या हर। क्लियर हो गया? 5/7 बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे 5/7। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। पहला आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मींस क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए भिन्नों के प्रकार में क्या होगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश हमेशा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, 7/5, 7/5, हियर 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है 5 से। हमने ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर होती है यानी क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर होती है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जस्ट किसका, इम्प्रॉपर का जस्ट उल्टा। यानी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होना ही है तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आंसर होगा उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो हम यहाँ एग्जांपल देखेंगे, 2/7, हियर 2 इज स्मॉलर देन 7 एंड हिंदी मीडियम के लिए 2 छोटा है 7 से। क्लियर हो गया भिन्नों के प्रकार में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे तुल्य भिन्न। टू फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन इफ बोथ ऑफ दीज रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। देयर आर मेनी लाइक फ्रैक्शन ऑफ ईच प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जो तुल्य भिन्न होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के तुल्य भिन्न भी हो सकती है और अनुचित तुल्य भिन्न भी हो सकती है। अब तुल्य भिन्न की परिभाषा मैंने हिंदी में लिख दी है। दो भिन्न तुल्य कब कही जाएगी, जब वे समान मात्रा को निरूपित करें। बिकॉज कहने का मतलब क्या है, 7/5 जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल के रूप में, हम इसको तुल्य भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो अंश है उसको भी उसी वैल्यू से गुणा करेंगे जिसको हर को कर रहे हैं। जैसे हम एक तुल्य भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 7/5 में 7 × 2 किया और नीचे भी 5 × 2 किया, तो क्या आया, 7 × 2 = 14 और 5 × 2 = 10। अगर इस 14/10 को वापस हम अगर काटे 2 की टेबल से, तो 2 7 जा और 2 5 जा, तो वापस 7/5 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे 7/5 एंड 14/10 आर लाइक फ्रैक्शन। 7/5 और 14/10 तुल्य भिन्न है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आ जाता है भिन्नों के प्रकार में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा इट इज फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन बट इन सॉल्व वी गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्नों का वह रूप जिसे हल करने पर हमें अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जांपल 2 3/4। अब ध्यान से देखेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को यानी मिश्र भिन्न को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको हर दिख रहा है यहाँ पर हर क्या है 4 है और अंश क्या है 3 है। तो हर को हमेशा गुणा करेंगे उसके पास वाली वैल्यू से। तो हमने यहाँ देखा हर के पास क्या आ गया इनटू आ गया और ऊपर वाला जो अंश है वो गुणा करने के बाद उसमें जोड़ देंगे। जैसे 4 × 8 यानी 4 × 8 और उसमें प्लस कर देंगे 3 तो 8 + 3 और डिवाइडेड में यानी डिनोमिनेटर में वही वैल्यू रखेंगे। वापस समझा रहा हूं, पहले तो प्लस और इनटू का साइन आ जाएगा। प्लस हमेशा अंश में रखना है यानी ऊपर की तरफ रखना है और इनटू का साइन ये सब आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। यहां मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इसको कैलकुलेट करके सीख जाए और डायरेक्ट आप इस मिस फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो 4 × 8 8 + 3 11 11 / 4 तो 8 + 3 11 हो गया, 11 / 4 एक आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेंगे हम, मान लो ये एग्जांपल है 5 5 1 / 5। तो हम सबसे पहले इनटू और प्लस का साइन आएगा तो 5 5 = 25 + 1 कितना हो जाएगा 26/5। तो आंसर क्या आ जाएगा 26/5। क्लियर हो गया। तो जो यहाँ मैंने इनटू और प्लस के साइन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप जब भी सॉल्व करें इनका यूज नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट करना है और आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में सबसे पहले क्वेश्चन है 2 1/4। अब हमने क्या कहा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 1/4 एक इनटू का साइन आएगा ऊपर प्लस का साइन आएगा, 4 × 8 + 1 9 9/4। ये चीज क्लियर हुई। तो अब ये देखिए आप खुद देखोगे 9/4 यानी 9 क्या है बड़ा है यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा 2/4 यानी यहां पर न्यूमरेटर क्या है स्मॉलर है छोटा है, अंश क्या है छोटा है तो ये आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5 यहाँ बड़ा है अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जितनी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो हमेशा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पर 3 5 = 15 + 1 = 16 / 3 तो आंसर क्या आएगा 16/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 1 = 2 + 1 = 3/2 = 3/2 अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये बड़ी कैलकुलेशन है, 11 × 12 करेंगे प्लस में 11 जोड़ देंगे। 11 क्यों जोड़ेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है यानी अंश में है। ये देखो 143 / 12 अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 18 > है इसलिए अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे।